झारखंड यहाँ हुआ उस वक्त से लेकर के अभी तक पानी का समस्या यहाँ हल नहीं हुआ। इस बार भाई क्या किया जाए भाई, अपना विरोध प्रकट करने के लिए अब हम लोग सबके पास कितना हाथ जोड़ी विनती करने जाएंगे, इसलिए चुपचाप से भाई लिख कर अपना विरोध जो है जता रहे हैं। पानी नहीं तो वोट नहीं, पानी नहीं तो वोट नहीं, पानी नहीं तो वोट नहीं, पानी नहीं तो वोट नहीं। पानी नहीं तो वोट क्यों दूं साहब? जी हाँ, कुछ यही कहना है शहर के पॉश इलाकों में सुमार नावा टोली के जनता का। दरअसल शहर के इस इलाके में बड़े बड़े बिल्डिंग, अस्पताल, होटल, स्कूल तो दिख सकते हैं, लेकिन उसके साथ ही दिखता है मोहल्ले वासियों का दर्द। कोयल नदी के तट पर बसे इस मोहल्ले के लोग त्रस्त हैं पानी की समस्या से और परेशान हैं चुनावी समाज सेवियों के आश्वासन से। तभी तो सड़कों पर पोस्टर और बैनर लगा, एक सवाल पूछा है चुनावी नेताओं से, हम वोट दे तो क्यों, समस्या तो है जियो की त्यों। मोहल्ले वासियों का कहना है कि हमने अपनी बात सब तक पहुंचाई, लेकिन नहीं मिला कोई लाभ, इस बार हम नहीं करेंगे वोट। अब देखना ये होगा कि इस वोट बहिष्कार का कितना असर चुनाव पर पड़ता है, लेकिन विकास की पोल खोलने के लिए ये विरोध काफी है। ये छोटा सा बस्ती होने के कारण नहीं पानी के पहुंच रहा है कि अभी मोहल्ला, सिर्फ यहीं पे पानी नहीं है, उधर भी पानी नहीं है, इधर भी पूरा नावा टोली है, नावा टोली पूरा नावा टोली में ही पानी नहीं है, पूरे नावा टोली में पानी नहीं है। आप लोग किसी के पास गए थे? बहुत लोग के पास गए, बहुत लोग आए और हम लोग गए भी, यहाँ तक त्रिपाठी जी भी आए और दिल्लू बाबू भी आए, लेकिन अभी तक कोई पानी का, इसका मतलब इस बार आप लोग वोट नहीं दीजिए? नहीं, देने के लिए नहीं कहा जा रहा है, नहीं अगर आप क्यों मांगे, हाँ वही चीज हम पूछना चाह रहे हैं, क्यों वोट दें? अगर पानी का समस्या का हल ना हो, हल ना हो तो वोट का बहिष्कार भी हो सकता है ना। ये है कि यहाँ पानी नहीं है, सप्लाई का पानी नहीं है, गर्मी का दिन में कुआं सबके घर में, यहाँ कुआं है, बोरिंग किसी घर में नहीं है, सबके घर में कुआं है, और कुआं पहले का जान ही रहे 10 फीट 12 फीट 15 फीट तो होता है, गर्मी के दिन में पानी सूख जाता है कुआं का। हम लोग पीने का पानी जाते हैं पंपू कल के पास से, जाके जर्किंग में पानी लेके आते हैं और तब पीते हैं हम लोग पानी। नदी किनारे होने के बाद पानी की तरस रहे हैं, एकदम पानी की तरस रहे हैं। तो प्रयास तो किए होंगे कि यहाँ पे? प्रयास तो बहुत हुआ है, और 10 साल से यहाँ वार्ड का भी निर्माण हुआ है, 10 साल से लोग कमिश्नर भी बन रहे हैं, वार्ड कमिश्नर भी, लेकिन फिर वर्तमान में कौन है? वर्तमान में तो अभी है, क्या बोलते हैं, बिल्लू की वाइफ है। तो इस बार क्या, इस बार भाई क्या किया जाए भाई, अपना विरोध प्रकट करने के लिए अब हम लोग सबके पास कितना हाथ जोड़ी विनती करने जाएंगे, इसलिए चुपचाप से भाई लिख के अपना विरोध जो है जता रहे हैं, भाई हम लोग को पानी चाहिए, पानी दीजिए। आपका नाम? मेरा नाम हुआ है तो श्याम अहमद। प्रकट कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं हम लोग, क्यों इलेक्शन में वोट पानी नहीं है, पानी चाहिए हम लोग को। हर हमेशा ये होता है कि पानी देंगे पानी, मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वोट के समय सबको पानी याद आती है, उसके बाद भूल जाते हैं। बस तो इस बार आप लोग पहले से याद कराते रहे हैं कि अगर पानी नहीं दीजिएगा तो वोट नहीं देंगे, पानी नहीं तो वोट नहीं। भाई की गर्मी में वाकई में बहुत प्रॉब्लम होता है पानी का, पानी का लेयर नदी किनारे होने के बावजूद लेयर नीचे चला जाता है, शहर का सबसे पॉश इलाका नदी के किनारे, उसके बाद ही पानी नहीं, पानी नहीं है, बहुत बड़ा समस्या है और बहुत दुख की बात है कि पानी के बगल में रहते हुए हम लोग पानी पानी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम हुआ मोहम्मद सदाब अहमद। मेदिनगर से संजीत की खास रिपोर्ट, बने रहिए तलाश टीवी के यूट्यूब चैनल के साथ और पाते रहिए अपने क्षेत्र की ताजा विश्लेषणात्मक और निष्पक्ष खबरें। गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं। We'll be right back.